हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुल फिटनेस ऑफिशियल। दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। वीडियो को पूरा देखना, बहुत अच्छी वीडियो है, और लास्ट में एक कमेंट करके जरूर बता देना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो का थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि ये वीडियो क्रिएटिन के बारे में है। बहुत सारे लोगों को क्रिएटिन को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या क्रिएटिन लेना सेफ है, क्या क्रिएटिन से हमारी किडनी तो डैमेज नहीं हो जाएगी, क्रिएटिन को हमें कितना लेना चाहिए, कितना डोज क्रिएटिन का सेफ है, क्रिएटिन को हमें कब लेना चाहिए, पोस्ट वर्कआउट, प्री वर्कआउट या किसी मील के बाद, और क्रिएटिन को हमें किस चीज के साथ यूज करना चाहिए, पानी के साथ, जूस के साथ, मिल्क के साथ। तो ये सारी चीजें आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्रिएटिन होता क्या है और क्रिएटिन कैसे काम करता है। तो मसल बिल्डिंग के लिए क्रिएटिन एक बहुत अच्छी चीज है। हमारी बॉडी नेचुरली भी क्रिएटिन प्रोड्यूस करती है और हमें बहुत सारे सॉलिड फूड जो हम खाना खाते हैं उससे भी हमें क्रिएटिन मिलता है। मैं यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा उस लिस्ट का, कुछ फूड्स का, तो आप वीडियो रोक के चेक कर लेना। पर जब हम एडवांस एक स्टेज पे जाते हैं, एडवांस फॉर्म में जाते हैं, एडवांस लेवल पे जाते हैं, तो हमें क्रिएटिन का सप्लीमेंटेशन करना पड़ता है। तो अब आपको बता देता हूँ कि क्रिएटिन मसल बिल्डिंग के लिए क्यों जरूरी है और क्रिएटिन कैसे काम करता है। तो क्रिएटिन दोस्तों एटीपी लेवल को बूस्ट करता है हमारी बॉडी में। अब एटीपी क्या होते हैं? एटीपी दोस्तों हमारी बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो उससे जो भी एनर्जी निकलती है वो बायोकेमिकल फॉर्म्स में एटीपी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके थ्रू स्टोर हो जाती है और वो पूरी बॉडी में ट्रेवल करती रहती है। जब भी कोई हमें काम करना होता है, जब भी जहां पे एनर्जी चाहिए होती है, तो हम एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में वहां से एनर्जी को रिलीज करवा देते हैं। तो अब आपको पता है क्रिएटिन जो है वो एटीपी लेवल को बूस्ट करता है, तो इससे मतलब हमारा एनर्जी लेवल भी बूस्ट होता है। अब जितनी ज्यादा हमारा एनर्जी लेवल होगा उतना ज्यादा हमारा स्टेमिना होगा, उतनी ज्यादा हमारी परफॉर्मेंस होगी और उतना ही ज्यादा हम वेट लिफ्ट करेंगे जिम में। अब जितना ज्यादा आप वेट लिफ्ट करेंगे जिम में उतनी जल्दी और उतनी ज्यादा आपकी मसल ग्रो होगी। तो अब आपको पता चल गया कि क्रिएटिन कैसे काम करता है, तो अब मैं आपके कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि पहला कंफ्यूजन है आपका कि क्रिएटिन को कितना यूज करना चाहिए हमें पर डे। तो दोस्तों 3 से 5 ग्राम जो पर डे है क्रिएटिन वो सेफ माना जाता है। एडवांस लेवल के लोग इसे 10 ग्राम तक भी लेते हैं, पर मैं आपको बोलूंगा 5 ग्राम तक क्रिएटिन सेफ है। अब दूसरा कंफ्यूजन है आपका कि क्रिएटिन को हमें दिन में कब लेना चाहिए, कब उसके बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे हमें। तो दोस्तों आप क्रिएटिन को पूरे दिन में कभी भी यूज कर सकते हैं, पोस्ट वर्कआउट, प्री वर्कआउट या किसी मील के बाद आपके रिजल्ट्स सेम रहेंगे। बहुत सारे लोग इसे क्रिएटिन को साइकिल बना के भी यूज करते हैं, लाइक 3 महीने तक क्रिएटिन उनका जो है सप्लीमेंटेशन ऑन रहता है, फिर वो 1 महीना क्रिएटिन को ऑफ कर देते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप पूरा साल भी आप क्रिएटिन ले सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस आपको पानी का ध्यान रखना है कि आपने जो लिक्विड इनटेक आपकी बॉडी का है वो आपने ध्यान रखना है कि वो आपका अच्छा खासा हाई रहे लिक्विड इनटेक। और तीसरी चीज जो है, कई सारे लोग इसको क्रिएटिन को लोड करते हैं, कई सारी क्रिएटिन कंपनियां भी जो होती हैं वो भी वहां पे अपने जो उनका बॉक्स होता है उन पे लिखा होता है कि फर्स्ट 5 डेज या 7 डेज आपको क्रिएटिन लोड करना है 15 से 20 ग्राम तक। तो आप क्रिएटिन लोड करके भी स्टार्ट कर सकते हैं या क्रिएटिन नॉर्मल फर्स्ट डे से 5 ग्राम भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप क्रिएटिन लोड करते हैं तो आप में आपको ब्रेकफास्ट के बाद 5 ग्राम, लंच के बाद 5 ग्राम, पोस्ट वर्कआउट, प्री वर्कआउट 5-5 ग्राम करके 15 से 20 ग्राम तक आपको क्रिएटिन लोड करना होता है फर्स्ट वीक, फिर आपको 5 ग्राम क्रिएटिन चलाना होता है। तो आप दोनों तरीकों से यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेफ है। नंबर 3, अब कंफ्यूजन रहती है आपकी कि आप क्रिएटिन यूज किस चीज के साथ करें, पानी के साथ करें, दूध के साथ करें, जूस के साथ करें। तो इसमें भी आपको बता देता हूं कि आप क्रिएटिन किसी भी चीज के साथ यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट था कि क्या क्रिएटिन दूध के साथ यूज करना सेफ है, पर अगर आप क्रिएटिन पोस्ट वर्कआउट वे प्रोटीन के साथ यूज कर सकते हो, वे प्रोटीन आपको पता है कि वो मिल्क से बना हुआ है, जब आप वहां पे वे प्रोटीन के साथ यूज कर सकते हो क्रिएटिन, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्रिएटिन को दूध के साथ भी यूज कर सकते हो। तो आपका ये डाउट भी खत्म हो गया कि आप क्रिएटिन को किसी भी चीज के साथ, जो लिक्विड है, पानी, दूध, जूस, किसी भी चीज के साथ आप उसको इंटेक कर सकते हो। तो क्रिएटिन को लेकर अब आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे वो सारे खत्म हो चुके होंगे। और जिन लोगों को लगता है क्रिएटिन से किडनी डैमेज हो जाती है, क्रिएटिन से स्टोन हो जाता है, तो मैं उन लोगों को बता देता हूं कि क्रिएटिन
वन ऑफ द सेफ सप्लीमेंट फॉर मसल बिल्डिंग। और आज की प्रो टिप ये है, अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू है किडनी से रिलेटेड या कोई और मेडिकल इशू, तो आप क्रिएटिन यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें। और भाई जिनको मेडिकल इशू नहीं है तो वो क्रिएटिन जरूर ऐड करें अपनी मसल बिल्डिंग जर्नी में और खींच दें मीटर को, क्योंकि क्रिएटिन आपको बहुत हेल्प करेगा मसल बिल्डिंग में। क्योंकि क्रिएटिन इज वन ऑफ द फेवरेट सप्लीमेंट ऑफ ऑल द बॉडी बिल्डर, सबसे चीप है, सबसे बेस्ट रिजल्ट है बॉडी बिल्डिंग में इसके। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। क्रिएटिन को लेकर लोगों को बहुत मिथ है, बहुत सारी मिसगाइडेंस है कि क्रिएटिन से बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, तो क्रिएटिन बहुत सेफ है, काफी लोगों को मदद मिलेगी। अगर क्रिएटिन को लेकर अब भी कोई डाउट बचा है आपको, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, सेम नाम से अकाउंट है बुल फिटनेस ऑफिशियल, वहां पे डायरेक्ट मैसेज करें मुझे। आपको क्या जानना है क्रिएटिन के बारे में या किसी और सप्लीमेंट्स के बारे में, बॉडी बिल्डिंग के बारे में, कुछ भी आपको चाहिए वो वहां पे आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए मेरे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियो ऑटो में आप तक पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आपको ऑटो में मिल जाएगी अगर आप ये बेल आइकन दबा लेते हो। तो मिलते हैं फिर एक और अच्छी नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगती है, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।